दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेज दें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। देवी स्थान पर झंडा चढ़ाते समय करंट लगने से एक की मौत, कई घायल। जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सिंगरोई गांव में आज सोमवार को सुबह एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान झंडा चढ़ाने के दौरान करंट हादसा हो गया, जिसमें गांव के कई युवक बिजली करंट की चपेट में आ गए, जिससे एक युवक की मौत हो गई। वहीं अन्य कई युवक बिजली करंट से झुलस गए। घटना के बाद सभी झुलसे हुए युवकों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित करते हुए अन्य घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सिंगरोई गांव में भूमिया बाबा के मंदिर पर धार्मिक पुण्य कराया जा रहा था, जो सामूहिक रूप से पूरे गाँव के लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जिसके लिए गाँव के कुछ युवा सोरों जी से कांवड़ से गंगा जल लेकर आए थे। सोमवार को धार्मिक आयोजन के दौरान गंगाजल चढ़ाया गया और भूमिया बाबा के मंदिर पर झंडा चढ़ाकर उसे मंदिर में लगाया जा रहा था। इसी दौरान मंदिर के पास से निकल रही बिजली की लाइन से झंडा टच होने की वजह से बिजली करंट फैल गया, जिसमें कई युवक झुलस गए। इस दौरान गांव के एक युवक गुड्डू पुत्र मंगल सिंह मीणा की करंट लगने से मौत हो गई। गांव के बुजुर्ग श्री कृष्ण मीणा ने बताया कि गांव में सोमवार को पूरे गांव की तरफ से भूमिया बाबा पर पुण्य का काम कराया जा रहा था, जिसमें सोरोजी से लाए गंगाजल को चढ़ाने के बाद झंडा खड़े करने के लिए कुछ युवक झंडा को लेकर छत पर चढ़े, जिससे अचानक मंदिर में करंट दौड़ गया, जिसके बाद कोई छत पर तो कोई मंदिर के पीछे गिर गया, क्योंकि मंदिर के पास से 11 KV लाइन निकल रही है, जिससे झंडा टच होने के कारण यह हादसा हो गया। ऐसा हुआ था कि मतलब जो ध्वजा थी अपने मंदिर में, तो ध्वजा मतलब नीचे से लेकर ऊपर मतलब चढ़ा रहे थे। चढ़ाने के बाद में क्या हुआ था कि मतलब वो ऊपर जो 11,000 KV का तार था ना, उसको टच कर किया। उसके बाद में मतलब उसमें करंट आया। करंट आने के बाद में कुछ लोग मतलब 10-15 लड़के थे, लड़कों से वो ऊपर गिर पड़े, मतलब उधर करंट फैल गया पूरे मंदिर के अंदर, और मतलब ये घटना हुई थी। गुड्डू उसका नाम मंगल, मंगल बोले, और वो तो प्रशांत प्रशांत अविनाश बबलू राजवीर महेंद्र महेंद्र और मोर्सी इनको करंट लगा, इनको करंट लगा। अभी फिलहाल कहाँ है ये? अब ये कुछ तो बाड़ी है, कुछ धौलपुर, कुछ धौलपुर रेफर कर। हाँ, दो लड़के नहीं गए हैं, एक प्रशांत। क्या मामला क्या है? जनरल धर्म भूमिया को बाबा झंडा चढ़ाए रहे थे, और बाबा तार 11,000 KV को झंडा करे वो बाबा 11,000 KV झंडा में करंट आ गया, झंडा में करंट आए वो, तो उससे ये खत्म हो गया, झंडा से खत्म हो गया है। दो मोड़े झटका दे गिर गए नीचे काफी। विधवा महिला के साथ शिक्षक ने किया यौन उत्पीड़न। सैपुर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक के द्वारा विधवा महिला के साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। एक घर में किराए पर रह रहे शिक्षक ने विधवा महिला को अपने जाल में फंसा लिया, और फिर 30 वर्षीय विधवा महिला के साथ यह शिक्षक अविवाहित होने का झांसा देकर 4 वर्ष तक देह शोषण करता रहा। पीड़िता को शिक्षक के विवाहिता होने की जानकारी होने पर आरोपी के खिलाफ कल नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर जाँच शुरू कर दी है। सैपुर थाना पुलिस के समक्ष दर्ज कराए गए मुकदमा में पीड़िता विधवा महिला ने बताया है कि सवाई माधोपुर निवासी एक शिक्षक उसके मकान में किराए पर रहता था। आरोपी शिक्षक ने अविवाहित होने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया। उसके बाद आरोपी ने विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए। पीड़िता ने बताया जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो बाड़ी कोर्ट में 18 अप्रैल 2017 को स्टाम्प पर लिखित में शादी कर ली, लेकिन शादी होने के कुछ दिन बाद आरोपी शिक्षक मकान से चला गया। पीड़िता ने बताया जब आरोपी शिक्षक के विवाहित होने की जानकारी लगी तो होश उड़ गए। मुकदमा में बताया है कि आरोपी शिक्षक ने साथ नहीं रखने की बात कहकर भगा दिया। कोर्ट में शादी करने से पूर्व आरोपी शिक्षक ने कई बार अलग अलग स्थानों पर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने अप्राकृतिक कृत्य भी उसके साथ किया है। इसके अलावा पीड़िता के अकाउंट से करीब 1,00,000 रुपए भी उसने हड़प लिए। सैपुर थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि पीड़िता द्वारा पेश किए गए परिवाद पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा पीड़िता का मेडिकल कराकर कार्रवाई की जा रही है।
मुकेश के एनकाउंटर के 7 दिन बाद पिता की हुई मौत। जारगा में हुआ अंतिम संस्कार। दस्यु मुकेश ठाकुर के एनकाउंटर के 7 दिन बाद आज मुकेश के पिता की मौत हो गई। मुकेश के पिता विद्याराम काफी समय से बीमार थे। वह किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि इसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन उनको अपने पुत्र के एनकाउंटर की जानकारी हुई तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उनकी तबीयत और अधिक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि बेटे मुकेश के एनकाउंटर के बाद वे बहुत दुखी थे और उसी के हादसे में आज सोमवार सुबह करीब 7 बजे उनका निधन हो गया। निधन की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से गांव जारगा लाया गया, जहां दोपहर के समय उनका अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीण मुकेश के पिता की मौत के लिए भी यूपी पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं। आपको बता दें कि 30 अगस्त की रात यूपी पुलिस ने दस्यु मुकेश ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया था, जिस पर 3 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 75,000 का इनाम घोषित था। यूपी पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर ग्रामीणों ने सवाल भी उठाए तथा इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बाइक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अधेड़ की मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा मार्ग पर सड़ा गांव के पास आज सोमवार को बाइक सवार युवक ने साइकिल पर जा रहे 50 वर्षीय अधेड़ को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक साणा गांव निवासी 50 वर्षीय मिट्ठू लाल जाटोली अपने गांव से खरीदारी करने जा रहा था, लेकिन राजाखेड़ा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार युवक ने साणा गांव के पास ही पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार भी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना को देख स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधेड़ के शव को कब्जे में लिया तथा घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस ने जिला अस्पताल में अधेड़ के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया आवारा सांड, परिजनों में फैली दहशत। जिला कलेक्टर धौलपुर के सामने स्थित नारायण कॉलोनी में आज सोमवार को एक आवारा सांड एक मकान में 2 मंजिल पर स्थित कमरे में घुस गया। सांड को देखकर परिजनों में दहशत फैल गई। मौके पर कॉलोनी के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना वन विभाग, नगर परिषद एवं पशु चिकित्सक टीम को दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग और नगर परिषद के कर्मचारियों ने जेसीबी की सहायता से सांड को रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन मकान के पास हाई टेंशन लाइट होने के कारण रेस्क्यू को रोकना पड़ा। पशु चिकित्सकों की टीम ने कमरे में घुसकर सांड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। उसके बाद सीढ़ियों के सहारे से उतार कर रेस्क्यू किया गया। ये मामला धौलपुर शहर की नारायण कॉलोनी में स्थित सरोज राणा के मकान का है, जिसमें घर में बनी सीढ़ियों से 2 मंजिल कमरे में आवारा सांड चढ़ गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सांड को सीढ़ियों के सहारे घसीटते हुए रेस्क्यू किया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। चिकित्सालय विभाग के अधिकारियों द्वारा इसको बेहोश करके इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन के बाद नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा बड़ी मशक्कत से 2 घंटे मेहनत करने के बाद इसको सीढ़ियों के रास्ते से ही नीचे उतारा गया। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉम फोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 केवी बिजली घर के सामने, वाडी रोड धौलपुर। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी।
धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहां होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5-स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमोन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5-स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर सवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर। पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। सेना भर्ती को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। पुलिस चौकी से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। आज राजाखेड़ा के युवाओं ने एकजुट होकर उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम क्षेत्र के युवाओं के लिए सेना भर्ती आयोजित करवाने और खेल मैदान की व्यवस्था करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही युवाओं ने एकजुट होकर राजाखेड़ा पुलिस चौकी से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने एक स्वर में कहा कि युवा अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर सुबह शाम दौड़ करते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। युवाओं ने कई बार मांग रखी, लेकिन किसी ने भी इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया। इसके लिए दौड़ लगाने के लिए ना कोई मैदान है और ना ही कोई ट्रैक। वहीं सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवाओं के लिए भर्ती को रोक दिया गया है, जिससे करीब 2 साल से भर्ती नहीं हुई है। तैयारी कर रहे युवाओं का हौसला टूटता जा रहा है। युवा आर्थिक मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। देश की सेवा करने के लिए युवाओं पर किसी का ध्यान नहीं है। प्रशासन को युवाओं के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। राजाखेड़ा से निकलने वाले फीडरों की बिजली बंद रहेगी। विद्युत निगम राजाखेड़ा के कनिष्ठ अभियंता प्रशांत यादव ने बताया कि मंगलवार को 3311 KBGSS राजाखेड़ा से निकलने वाले सभी 11 KV फीडर की विद्युत सप्लाई सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए मरम्मत व रखरखाव कार्य के चलते बंद रहेगी। इस कारण इससे जुड़े इलाकों की बिजली बंद रहेगी। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के जन्मदिवस पर किया पौधारोपण। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के 44वें जन्मदिवस के अवसर पर एक दिन पूर्व आज सोमवार को धौलपुर जिले में वरिष्ठ कांग्रेस जनों द्वारा सघन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भगवान दास गुर्जर, मुरारी लाल पूर्व सरपंच, मुन्ना लाल पूर्व सरपंच, जंडेल सिंह एडवोकेट, लक्ष्मण सिंह बैसला के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व विधायक स्वर्गीय नेता सालिग्राम के तलैया स्थित मंदिर से की गई। इसके अलावा देव नारायण मंदिर मोरौली, राजीव गांधी केंद्र मोरौली, नमितानंद आश्रम मोरौली, श्यामदास आश्रम बिचोला मनिया पर सघन पौधारोपण किया गया, जिसमें पीपल, आम, जामुन, बरगद के फलदारी एवं छायादार पौधे लगाए गए। साथ ही सचिन पायलट की खुशहाल व समृद्ध जीवन की मंगल कामना की गई। पूर्व सरपंच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भगवान दास गुर्जर ने कहा कि सचिन पायलट युवा संघर्षशील जुझारू नेता हैं। इस दौरान कांग्रेस के जिला प्रवक्ता धनेश जैन, दिनेश शर्मा पूर्व पार्षद, राजेश अंगूरी गुर्जर आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेहद खतरनाक व दुनिया के सबसे निडर जीव हनी बेजर मिलने से फैली सनसनी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के नक्सोदा गांव के पास पत्थर की खान में एक विचित्र जीव मिलने से सनसनी फैल गई। वन विभाग के अनुसार ये जीव हनी बेजर है। यह वन्य जीव बेहद ही खतरनाक किस्म का एवं विलुप्त प्रजाति से है, जिसे कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया और झिरी के जंगलों में छोड़ा गया। वन विभाग के रेस्क्यू टीम इंचार्ज हंसराम गुर्जर ने बताया कि सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, जिसे सरमथुरा के झिरी गांव के पास जंगल में ले जाकर छोड़ा है। इसका नाम हनी बेजर है, जो कबर बिज्जू से मिलता जुलता है। यह इतना निडर और खतरनाक है कि किसी पर भी हमला बोल सकता है। मनुष्य के छोटे बच्चों के अलावा यह टाइगर के भी छोटे बच्चों को उठाकर ले जाने से नहीं डरता। धौलपुर के जंगलों में इसे पहली बार देखा गया है। हनी बेजर को दुनिया का सबसे निडर जानवर माना जाता है। आकार में छोटे होने के बावजूद भी यह मांसाहारी जानवर अपने आक्रामक और क्रूर रक्षात्मक क्षमता वाली प्रकृति के लिए जाना जाता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हनी बेजर को दुनिया में सबसे निडर जानवर के तौर पर वर्णित किया गया है।
यह जानवर शेरों और हाइना जैसे कई बड़े शिकारी जानवरों से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। रेस्क्यू टीम में राम निवासी मीणा रेंजर वाड़ी, सुंदर सिंह रेंजर वन बिहार, हंसराम गुर्जर फॉरेस्ट शरद धौलपुर, रामब्रज लज्जा राम, बने सिंह रविंद्र, श्री भगवान शुक्ला आदि शामिल हैं। डीएफओ साहब ने तुरंत रेस्क्यू टीम बाड़ी, वन विहार, सरमथरा और धौलपुर से चार टीमों को तुरंत भेजा वहां पर, और टीम ने वहां जाकर के तुरंत गांव के पास से हनी वेदर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। करीब दो घंटे में उसका रेस्क्यू कर पाया। बहुत ही मतलब खतरनाक जानवर था, विलुप्त प्रजाति का है, छोटे साइज का है लेकिन खतरनाक जानवर था। इसको पकड़कर जिले के जंगलों में सुरक्षित। सकबारा सरपंच मुकेश रावत ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। राजीव गांधी सेवा केंद्र सकबारा में आज सरपंच मुकेश रावत ने ग्राम पंचायत के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें ग्रामीणों ने बिजली पानी नाली संबंधी अपनी समस्याएं सरपंच को बताईं, जिस पर सरपंच ने संबंधित अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों को समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सरपंच रावत ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याएं मेरी समस्या है और इन समस्याओं का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता है। अपनी ग्राम पंचायत का संपूर्ण विकास कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, इसके लिए भरकस कोशिश भी कर रहा हूं। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जहां से मोबाइल आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वो भी किस्तों में। हमारे यहां जीरो डाउन पेमेंट पर आसान किस्तों में सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। तुरंत खरीदें, ऑफर सीमित समय के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, सिम रिचार्ज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी क्वालिटी की लालटेन और स्पीकर भी उचित रेटों पर उपलब्ध। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पता पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश मार्केट, जगदीश त्राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल जॉनी। मोबाइल नंबर 7014 27 82 00। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने, धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। एम्बुलेंस 104 की नई गाड़ी उपलब्ध होने से क्षेत्र की महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत। सैपो में आखिर एम्बुलेंस 104 की नई गाड़ी उपलब्ध हो गई है। मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई गई गाड़ी से क्षेत्र की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। सीएचसी सैपो पर पहुंचे एम्बुलेंस 104 का सीनियर डॉक्टर दीपक गुप्ता व प्रभारी चिकित्सक दिनेश नरूका की ओर से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मुहूर्त किया गया है। इस दौरान प्रभारी डॉक्टर ने एम्बुलेंस के पायलट नीरज शर्मा का कलावा बांधकर व तिलक लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर सभी को मिठाई बांटकर मुंह मीठा कराते हुए खुशी जताई है। सीनियर डॉक्टर दिलीप गुप्ता ने कहा कि एम्बुलेंस की नई गाड़ी से क्षेत्र की प्रसूताओं को हॉस्पिटल पहुंचने तथा हॉस्पिटल से घर जाने के लिए समय पर सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि सैपो सहित जिले में कई एम्बुलेंस 104 की गाड़ियां कंडम हालत में होने के कारण काफी समय से ऑफ रोड बनी हुई थी। एम्बुलेंस की हालतों को लेकर फास्ट ट्रैक की ओर से प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी, तभी खबर का असर आज देखने को मिला है। मॉडर्न इमरजेंसी कंपनी की ओर से सैपो क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस 104 की नई गाड़ी उपलब्ध कराई है, जिससे कि क्षेत्रवासियों को समय सुविधा मिलने से राहत मिल सकेगी। इस दौरान राजस्थान एम्बुलेंस यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी, डॉक्टर अरविंद, नर्सिंग ऑफिसर हरिओम तोमर, नीरज तिवारी, ओमवीर बघेल, परसोत्तम, सुरेंद्र त्यागी, संजू परमार, रघुवर दयाल कुशवाहा, दीपक प्रजापति आदि स्टाफ के लोग मौजूद रहे। सीएससी सैंपल पर मॉडर्न इमरजेंसी की तरफ से 104 गाड़ी उपलब्ध कराई गई है, जिसका डॉक्टर साहब ने
फीता काटकर शुभारंभ किया है, जिससे क्षेत्र की जनता को प्रसूता महिलाओं को आने जाने के लिए सुविधा मिल सकेगी 24 घंटे के लिए। समाज से जो प्राप्त किया है उसे लौटाने का प्रयास जरूर करें। मीना बस्ती चकोली शैक्षिक एवं सामाजिक विकास समिति का वार्षिक उत्सव संपन्न। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चकोली समिति जो धौलपुर में कार्य कर रही है उसके कार्य काबिले तारीफ हैं। यह वक्तव्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व ADJ मीना बस्ती ने चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति के वार्षिक उत्सव के अवसर पर आयोजित छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह के अवसर पर जन समूह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि समाज से आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे समय आने पर समाज को लौटाना जरूर चाहिए। सर्वेक्षक पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि व्यक्ति को सकारात्मक सोच के साथ सदैव देश के हित में कार्य करने चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामराज लाल शर्मा ने कहा कि समिति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विगत 23 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने स्वागत भाषण दिए। समिति के कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग ने मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए मरैना शारदे छात्रावास की गार्डन गीता सिंह को गोल्डन आवर्स ने घायलों को चिकित्सालय पहुंचाने के लिए लुपिन फाउंडेशन के सुबोध गुप्ता को वृद्धाश्रम के सफल संचालन के लिए ब्रजेश मुखरिया को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कीर्ति मंगल तुलसी जादौन पवन सिंह प्राची मुदगल निकिता कुमारी निशा शर्मा प्रगति वंशल विशाल पाराशर तनु मंगल मोहम्मद मजीद अभिषेक कुमार कुलदीप कुमार मीणा हर्ष गौर दया सेन फैजल खां शिवानी गर्ग हिमानी उपाध्याय दीक्षा शर्मा कुमारी विनस सविता व लाइवा अहमद को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। मंच का संचालन अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। टीचर्स डे पर धौलपुर के पंकज मुदगल बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित। ANM प्रशिक्षण केंद्र पर सम्मान समारोह दि नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राजस्थान प्रदेश कमेटी के द्वारा कल टीचर्स डे के अवसर पर जयपुर में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत 18 नर्सिंग शिक्षकों को बेस्ट नर्सिंग टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें ANM प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर पर कार्यरत पंकज मुदगल को भी सम्मानित किया गया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज ने बताया कि ये अवार्ड संगठन के सभी सदस्यों की बहुमत राय के आधार पर नर्सिंग शिक्षकों द्वारा उनके किए गए प्रोफेशनल कार्यों के आधार पर प्रदान किए गए हैं। धौलपुर से पंकज मुदगल को यह सम्मान मिलने पर आज सोमवार को ANM प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर पर उनका सम्मान समारोह किया गया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतन राम मीणा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधी, प्राचार्य सुनीता सिंगल, उपाध्यक्ष कल्पना सेंगर, कोषाध्यक्ष नीलम सिंह अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में अतिथियों ने कहा कि इस पुरस्कार से जिले का गौरव बढ़ा है। पंकज मुदगल ने अपने सम्मान समारोह से अभिभूत होते हुए कहा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग प्रोफेशनल को देने का प्रयास करूंगा। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए अपना नाम नामित करने के लिए प्रदेश कमेटी का आभार व्यक्त किया। मैं पंकज मुदगल नर्सिंग ट्यूटर ANM ट्रेनिंग सेंटर पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान में 5 सितंबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में नर्सिंग टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्टेट कमेटी तथा नेशनल कमेटी के द्वारा मुझे स्टेट लेवल पर बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। इसके लिए मैं नर्सिंग टीचर एसोसिएशन की स्टेट कमेटी और नेशनल कमेटी को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। तथा उस उपलक्ष्य में आज हमारी ट्रेनिंग सेंटर पर आज मेरा सम्मान किया गया। इसके लिए मैं अपने समस्त स्टाफ का तथा स्टाफ का तथा CMHO साहब, एडिशनल CMHO साहब, RCHO साहब और समस्त फैकल्टी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इन सभी के सहयोग के बिना ये सब संभव नहीं था। इन सभी के सहयोग से आज मेरा ये नाम ज्ञापित हुआ है। इसके लिए धन्यवाद। जय नर्सेस, जय भारत। राजाखेड़ा में दिन दहाड़े ट्यूशन केंद्र से साइकिल चोरी। राजाखेड़ा पुलिस की निष्क्रियता का परिणाम आज आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है।
आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी चोरों पर कोई कार्रवाई न होना एक बड़ा सवाल है। रायाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 17 में पुराने कोर्ट के पीछे एक कोचिंग क्लासेस संचालित होती है, जिसके अध्यापक अमित शर्मा ने रायाखेड़ा थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि शनिवार शाम को 5 बजे साइकिल मेरे घर के पास से चोरों ने मौका पाते ही गायब कर दी। जब देखा गया तो साइकिल रखे स्थान पर नहीं थी। वहीं उस साइकिल को बिचोला रोड पर जाते हुए टाटा मैरिज होम के सामने के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में ले जाते हुए दो बच्चों को देखा गया, जिसमें साइकिल ले जाते हुए दिख रही है। राजपूत समाज ने पूर्व जिलाध्यक्ष श्यामवीर सिंह को दी श्रद्धांजलि। जिला राजपूत महासभा धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामवीर सिंह परमार की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सरनाम सिंह सिकरवार पूर्व अध्यक्ष जिला युवा राजपूत महासभा द्वारा आज राजपूत छात्रावास ओडेला रोड धौलपुर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम राजपूत महासभा के जिलाध्यक्ष विशंबर सिंह परमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष राजपूत महासभा एडवोकेट गजेंद्र सिंह जादौन, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान मोनू जादौन, समाज सेवी सुवर्ण सिंह सकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष गंभीर सिंह परमार एवं पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट राम निवास सिंह परमार धीर सिंह जादौन रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वर्गीय श्यामवीर सिंह की तस्वीर पर पुष्पमाला पहनाई गई और दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही दिवंगत आत्मा को शांति के लिए मंत्रोच्चारण द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटा घर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। राजपूत समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष की पुण्यतिथि पर किया पौधारोपण। परमार मोटर्स बसेड़ी पर स्वर्गीय श्यामवीर सिंह परमार, पूर्व जिला अध्यक्ष राजपूत सभा धौलपुर एवं पूर्व प्रबंधक मारवाड़ मोटर्स धौलपुर की प्रथम पुण्यतिथि पर पौधारोपण कार्यक्रम कर उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि राजपूत सभा बसेड़ी के द्वारा दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता परमानंद सिंह द्वारा की गई। संचालन विजेंद्र सिंह सिकरवार, मंत्री राजपूत सभा बसेड़ी द्वारा किया गया। भगवान सिंह, पूर्व अध्यक्ष बसेड़ी, राम अवतार सिंह हरजूपुरा, रामबीर सिंह गुनामपुरा, राम भरोसी सिंह ममोधन, अशोक सिंह जारगा आदि ने अपने विचार रखे और कहा कि श्यामवीर सिंह समाज के सच्चे सेवक एवं अपनी बात के धनी व ईमानदार व्यक्तित्व के थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में राजपूत सभा भवन का सभी के सहयोग से कमरों का निर्माण करवा कर बहुत विकास करवाया तथा समाज की बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। कार्यक्रम में बच्चू सिंह कुनकुटा, कृपाल सिंह सरपंच, सोनू परमार रवैयापुरा, गुड्डा सिंह रवैयापुरा, बबलू सिंह सरपंच, बंगाली सिंह, राकेश सिंह मनरूपुरा, महेश सिंह कमांडेट, राय सिंह गढ़ी तमाशिया, राम गोपाल सिंह, रविंद्र सिंह, विनोद सिंह पूर्व सरपंच, फेयो सिंह आदि मौजूद रहे। हेडपंप से अपने आप निकलने लगा पानी, ग्रामीणों में बना कौतूहल का विषय। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के झिरी गांव में हेडपंप से आज अपने आप पानी निकलने लगा है, जिसे देखते देखते ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जो कि गांव सहित आसपास के इलाकों में कौतूहल का विषय बन गई।
हालांकि इस बार बारिश के चलते भूमिगत जल स्तर में तेजी से सुधार हो रहा है। जल स्तर बढ़ने से पानी का दबाव जमीन के ऊपर की तरफ उठ रहा है। इस वजह से हेडपंप एवं बोर से पानी स्वतः निकलने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। लक्ष्य के चुनाव संपन्न, ओम प्रकाश बने जिला अध्यक्ष। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य धौलपुर के तत्वाधान में चुनाव अधिकारी भगवान सिंह, पूर्व व्याख्याता, सहायक चुनाव अधिकारी राम सिंह सिहोलिया, पूर्व प्रधानाचार्य एवं पर्यवेक्षक बदन सिंह, पूर्व नायब तहसीलदार की देखरेख में लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर में सर्वसम्मति से चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरौंदा के व्याख्याता पद पर कार्यरत ओम प्रकाश लोधा को जिलाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोमल सिंह, महामंत्री पद पर अजीत सिंह अध्यापक तथा कोषाध्यक्ष महेश चंद व्याख्याता को बनाया गया है। चुनाव अधिकारी द्वारा नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही चुनाव अधिकारी राम सिंह सहारिया ने जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा को 20 दिवस में नवीन कार्यकारिणी गठन करने एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने कहा कि समाज व संगठन की एकजुटता पर हम सबको पहल करनी चाहिए ताकि समाज के विकास के साथ साथ नित नई ऊंचाइयों को छू सके। समाज में से कुरूतियों, अंधविश्वासों को हटा देना चाहिए ताकि समाज जागरूकता एवं शिक्षित समाज बन सके। महामंत्री अजीत सिंह ने समाज की बालक बालिकाओं की पढ़ाई पर जोर दिया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष मदन लाल, पूरन सिंह, शैलेंद्र सिंह, सुरेश चंद, राम प्रकाश, कंपाउंडर श्रीराम आदि लोग मौजूद रहे। सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बसेड़ी ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत स्तर पर हुआ पौधारोपण कार्यक्रम। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज सोमवार को प्रत्येक पंचायत स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत पंचमुखी हनुमान मंदिर पर दर्जनों पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान सत्येंद्र गुर्जर ने की। मुख्य अतिथि लाखन सिंह खिडौरा रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि लाखन सिंह ने कहा कि पायलट के जन्मदिन पर व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पौधे रोपकर कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन मनाया जा रहा है। अध्यक्षता कर रहे सत्येंद्र गुर्जर ने कहा कि पायलट किसान के नेता हैं पर राजस्थान में लोकप्रिय हैं। हम सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पौधे रोपकर प्रकृति को हरा भरा करेंगे और उन पौधों की देखभाल करेंगे। इस दौरान समाज सेवी राम पूरन पोषवाल, लवकेश कंशाना, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार, छेला गुर्जर, रामरूप गुर्जर, राज कंशाना, मोनू परमार, रामनिवास मीणा, शिवा गुर्जर, विक्रांत मीणा आदि मौजूद रहे। सचिन पायलट साहब हमारे आदरणीय नेता हैं। सचिन पायलट जी उनके 44वें जन्मदिन पर हमारे बसेड़ी विधानसभा में उनके कार्यक्रम, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 21,000 पौधों का कार्यक्रम रखा गया है, जो समस्त ग्राम पंचायतों में 1,000 पेड़ डिवाइड करके लगाए गए हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बसेड़ी विधानसभा में सभी लोग हर ग्राम पंचायत में पेड़ लगा रहे हैं। आज उसी उपलक्ष्य में हमारी शुरुआत पंचमुखी हनुमान जी बसेड़ी विधानसभा से शुरू हुई है। यहाँ हमारा 551 पेड़ का लगाने का उपलक्ष्य था, यहाँ हमने शुरुआत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। भाजपा मंडल प्रभारी मनोज शर्मा ने किया बूथों का सत्यापन। रायखेड़ा मंडल प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने आज राजाखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर शक्ति केंद्र संयोजकों, शक्ति केंद्र प्रभारियों व बूथ अध्यक्षों का सत्यापन किया। साथ ही पार्टी की रीति नीति और पन्ना प्रमुख तक की सक्रियता को कैसे क्रियान्वय किया जाए आदि को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा क्षेत्र घोर उपेक्षाओं का शिकार है। कांग्रेस को दिया गया मत उनके लिए सापित सिद्ध हो रहा है और कांग्रेसी विधायक प्रतिशोध की भावना से राजाखेड़ा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो बूथ भाजपा ने जीते हैं वहां पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। बैठक में मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, कुमार सिंह, नरेंद्र पचौरी, रमाशंकर लहचोरिया, मुकेश बघेल, दुशासन व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्वती नदी में डूबे मृतकों के आश्रितों को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत। जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि विगत दिनों पार्वती नदी में डूबने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मृतकों के आश्रितों के नाम सहायता प्रस्ताव उपखंड अधिकारी सैपो से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सहायता प्रस्ताव अनुसार मृतक के विधिक आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,00,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। सहायता राशि प्राप्त करने वालों में पहली किशनवती पत्नी लोकेंद्र कुशवाहा निवासी तशीमो तथा दूसरी गुड़िया है, जो कि मृतक योगेश की मां है।
इन दिनों मृतक आश्रितों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।